हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और हमें त्रिज्यखंड की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है और साथ ही केंद्रीय कोण का मान थीटा की वैल्यू जो है 60 डिग्री दी गई है। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होती है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करना है, तो थीटा की वैल्यू आप यहां पे 60 पुट करेंगे और नीचे 360 ही लिखेंगे। उसके बाद पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेनी है और आर स्क्वायर की जगह 6 × 6 लिखनी है आपको। अब यहाँ पर हम कट करेंगे, तो 60 से अगर हम 360 को कट करें तो ये 6 बार में कट होगी, फिर इस 6 से इस 6 को काटेंगे तो फाइनली हमें 22 और 6 को मल्टीप्लाई करनी है। तो 22 × 6 करेंगे तो 132 और नीचे 7, तो हमारा जो आंसर होगा 132/7 होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर है। आप यहां देख सकते हैं 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।